नहीं तो महिलाओं के साथ मोल भाव होने लगता है, सच्ची बता रहा हूँ। अरे वो लड़की जो है, हाँ ठीक है, अच्छी है, कुछ कर ही नहीं है, कर दे शादी से, सच्ची बता रहा हूँ, मोल भाव होने लगता है स्पेशल लड़कियों से। तो समझ, अपने लिए बहुत बड़ी दुश्मन भी है, आप अपने लिए बहुत बड़ी दोस्त भी हैं। आप अगर कुछ हासिल करें आपकी वजह से, आपके गांव में कम से कम 100 चेहरा है, अगर आप कुछ हासिल कर लेंगे ना आप ही की वजह से, कितना चेहरा जो देख रहा है ना वो भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप अचीव नहीं कर पाएंगे ना, एक खराब एग्जाम्पल बन जाएंगे। अरे उनकी बिटिया गहरी काव की है, सच्ची यही बोलते ना, अरे उनका लड़का गौरव भी कहा कि ये लुखड़ी करके तो चलाओ, एग्जैक्टली बोलते हैं। तो वो जो बेचारा 100 चेहरा है ना वो भी आपका अनएजुकेटेड रह जाते हैं। तो आपके अचीवमेंट में सिर्फ आपका अचीवमेंट नहीं होता, आपके अचीवमेंट में, आपकी उपलब्धि में आपका समाज की उपलब्धि होती है, और आपके पूरे गाँव की उपलब्धि होती है, आपके पूरे शहर की उपलब्धि होती है। ये जो आप बैठे हैं ये पता है आप नहीं बैठे, घर की उम्मीद बैठी है, समझना। स्पेशली महिलाओं से कहना चाहूंगा, अगर आप हासिल कर लेंगे कुछ, एक अच्छे ऐसे घर में जाएंगे जो हमेशा खुश रहेंगे, नहीं तो महिलाओं के साथ मोल भाव होने लगता है, सच्ची बता रहा हूँ। अरे वो लड़की जो है, हाँ ठीक है, अच्छी है, कुछ कर ही नहीं है, कर दे शादी से, सच्ची बता रहा हूँ, मोल भाव होने लगता है स्पेशल लड़कियों से। तो समझना, यही जो 2-3 साल का बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, बहुत शुक्रगुजार हुई है, धन्यवाद बोलिए और कुछ अचीव कर लो, क्योंकि यही 1-2 साल आपका पूरा करियर, पूरा फ्यूचर जो है डिसाइड करने वाला है। तो हमेशा ध्यान दो, डेली आप यहीं पे आते होंगे, पढ़ते होंगे, ये मत सोच के कि मैं बैठी हूँ, मम्मी पापा की उम्मीद बैठी है, मम्मी पापा की उम्मीद बैठी होगी कसम। टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करना सीखिए, बात करिए आपके रियल रिक्वायरमेंट क्या, जो आप अपने, क्योंकि आप अपने लिए बहुत बड़ी दुश्मन भी हैं, आप अपने लिए बहुत बड़ी दोस्त भी हैं। अगर आप अपने आप को बहुत कुछ दे लेती हैं, इसका मतलब यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू आर अनेबल टू गिव एनीथिंग टू योरसेल्फ यू आर एनिमी ऑफ योरसेल्फ। टू टॉक टू योरसेल्फ, खुद से पहले बात करना स्टार्ट करें, जो आपके रियल रिक्वायरमेंट है उसमें पैशन लें, सपने के साथ चलते रहे कि जब आपका सपना आपके ज्ञान से जुड़ेगा ना, उस सपने को कभी डुबा नहीं सकती है आपकी।